हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। चलिए हम लोग ये टैंक से रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करते जाएंगे। यहां पर दिया हुआ है टू टेप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स, ये 10 आवर्स दिया हुआ है एंड क्या 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ओके, मतलब क्या दिया हुआ है कि जो ए दिया हुआ है, ए किसी टैंक को 10 आवर में, ये क्या होगा 10 आवर्स में फिल कर देता है, और जो बी है वो उसी टैंक को जो है 15 आवर्स में फिल कर देता है, 15 आवर्स में फिल करता है respectively, if both the taps are opened together, the tank will be fill full in। मीन्स अगर दोनों को ऑन कर दिया जाए तो वो टैंक कितने देर में भर जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर पहले इस तरह के क्वेश्चंस को के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। ये शॉर्ट ट्रिक आपके टाइम और वर्स रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चंस में काम करेगा। सबसे पहले आपको निकालना है क्या टोटल यूनिट, मतलब कि हम लोगों को कितना वर्क करना है, तो टोटल यूनिट निकालना है, क्योंकि ये आपका क्या होगा टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो और दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्या होगा आपको निकालना है यूनिट पर टाइम। तो यूनिट पर टाइम, यहाँ पर आवर दिया हुआ है तो हम लोग आवर में बात करेंगे। ठीक है, यूनिट पर आवर निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग कितना टोटल यूनिट। टोटल यूनिट इक्वल टू कैसे निकालते हैं, टोटल यूनिट निकालते हैं एलसीएम ऑफ, ये क्या होगा एलसीएम ऑफ, ये दिया हुआ 10 आवर दिया 15 आवर दिया, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30। तो हमारा ये आ गया 30 यूनिट आ गया। ठीक है, तो हम इस तरह से पहला हमारा निकाल लिया यूनिट, टोटल यूनिट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमको फाइंड आउट करना है यूनिट पर डे पर आवर। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए ए के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो ए के लिए कितना हो गया टोटल यूनिट, तो यूनिट पर आवर निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे टोटल यूनिट। टोटल यूनिट हो गया अपॉन में कितना हो गया इसके लिए जो टाइम लगा, तो टाइम जितना होगा वो हम रख लेंगे। तो कितना टोटल यूनिट हमारा कितना 30 यूनिट हमको दिया हुआ है, और टाइम कितना है यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो ये क्या करेगा 3 यूनिट पर आवर, एक घंटे में 3 यूनिट ये फिल करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बी की बात करते हैं, तो बी में भी हम सेम ये लगाएंगे टोटल यूनिट अपॉन टाइम। तो टोटल यूनिट यहाँ पर क्या है सेम है, तो ये 30 हो जाएगा अपॉन टाइम, टाइम यहाँ पर 15 आवर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 यूनिट पर आवर। तो इसका मतलब है बी एक घंटे में 2 यूनिट फिल करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, अगर दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करें ऐड, तो क्या होगा एक आवर में वो कितना करेंगे, जो ए का दिया हुआ है कि ए एक आवर में 3 यूनिट फिल कर देता है, यहाँ का यहाँ पर दिया हुआ बी एक आवर में 2 यूनिट फिल कर देता है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 5 यूनिट पर आवर आ जाएगा। मतलब कि अगर ए और बी दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो एक घंटे में 5 यूनिट वर्क कर लेते हैं। ठीक है, हमको निकालना है टाइम, निकालना है टाइम, टाइम या फिर यहाँ पर आवर दिया हुआ है तो टाइम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर्स। तो यहाँ पर कितना होगा टोटल यूनिट, हमको टोटल यूनिट कितना दिया हुआ है टोटल यूनिट अपॉन यूनिट पर आवर, मतलब कि एक आवर में कितना यूनिट वर्क किया गया है, तो टोटल यूनिट हमारा 30 दिया हुआ है और यूनिट पर आवर दिया हुआ है 5, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 6, ये आ गया 6 आवर। मींस अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो 6 आवर में वो दोनों मिलके टैंक को फिल कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।